हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपको एक केस स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा जो अभी अभी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आया है। केस ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जजों को माई लॉर्ड या लॉर्डरशिप कहकर ना कहें, ना बुलाया जाए। कल इस बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीवीएन राधाकृष्णन का कहना है कि बंगाल व अंडमान निकोबार के सभी न्यायिक अधिकारी उन्हें माई लॉर्ड या लॉर्डरशिप कहकर संबोधित ना करें, इसकी जगह उन्हें सर कहकर संबोधित करें। इसके लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राय की ओर से पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के जिला न्यायाधीश और निचली अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र भेजकर चीफ जस्टिस ने इस संदेश को अवगत कराया गया है। लेटर में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश चाहते हैं कि अब आगे से उन्हें माई लॉर्ड या लॉर्डरशिप कहने की जगह सर कहकर बुलाया जाए। ये पहली बार नहीं है जब किसी भी कोर्ट ने ऐसे शब्द का प्रयोग करने से मना किया गया है। 2009 में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रू द्वारा भी वकीलों को ऐसे शब्दों का उपयोग करने से परहेज करने के लिए कहा गया था। और जनवरी 2014 में जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस एस ए बोबड़े की पीठ ने कहा था कि न्यायाधीशों को माई लॉर्ड या लॉर्डरशिप जैसे शब्दों से संबोधित करना जरूरी नहीं है। न्यायाधीशी को केवल गरिमापूर्ण तरीके से बुलाने को संबोधित किया जाना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जज को ये वर्ड बोलना जरूरी नहीं है, केवल उनको गरिमापूर्ण से बुला सकते हैं, हम सर कह के बुला सकते हैं। ऐसे ही एक फैसला जुलाई 2019 में राजस्थान हाई कोर्ट की फुल बेंच ने सहमति से ऐसे शब्द को प्रयोग करने से रोकने का अनुरोध किया था। ये सवाल बार बार उठता रहता है कि जजों को क्यों क्यों माई लॉर्ड या लॉर्डरशिप कहा जाता है, क्यों ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है। हमेशा इस पर नए नए तर्क वितर्क चलते रहते हैं। तो ये अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने मना किया है कि ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से एडवोकेट बचें। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।